बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गैर यकीनी सूरतेहाल और फैसलों में ताखीर, डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 197.75 रुपए पर ट्रेड। रुपए की कदर गिरने से मुल्क पर वाजिब अदा कर्जों का बोझ 1800 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात दोहा में शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक वीडियो लिंक पर शरीक। पाकिस्तानी हुकाम ने पॉलिसी फ्रेमवर्क IMF के हवाले कर दिया। तवानाई, पेट्रोलियम, गैस, खाद और दीगर पर सब्सिडी की टाइमलाइन शामिल। अहदाफ के जायजे के बाद मुआशी पैकेज से मुतालिक फैसला होगा। मुल्क की मुआशी सूरतेहाल के पेश नज़र IMF का पैकेज नागुज़ीर हो चुका। कराची में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG डॉक्टर कामरान फजल को IG सिंध का इजाफी चार्ज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी की हालिया लहर पर पुलिस हुकाम की सख्त सरजनिश की थी। कराची मारीपुर रोड पर CTD ने से मुकाबला। सदर धमाके का मरकजी दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। इंचार्ज CTD के मुताबिक हल्लाक दहशतगर्दों की शनाख्त अल्लाह डिन्नू नवाब अली के नाम से हुई। ताल्लुक कालादम अहलेदगी पसंद तंजीम से है। असलाह और बारूदी मवाद बरामद। उधर कराची में दहशतगर्दी की हालिया लहर में भारतीय खुफिया एजेंसी RAH के मुलविस होने के इंकशाफ। एक वोट पर खड़ी विफाकी हुकूमत इदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रही है। साबिक वज़ीरे दाखला शेख रशीद का तंज, बोले सारी कौम इमरान खान के साथ है। ये इलेक्शन में जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी कब्र खोदेंगे। निगरान वज़ीरे आज़म के लिए रावलपिंडी में मईशत दानों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। 30 मई से पहले बड़े फैसले हो जाएंगे। इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। वो जान ले तराना, मौसीकी और रक्स करवा कर अब इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले वज़ीर आज़म ने मुशावरत कर ली, कौम को एतमाद में लेंगे। अवाम पर कम बोझ डालने, मईशत बेहतर करने के लिए जो फैसले करना पड़े करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। PP रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने कहा, इमरान खान की तहरीक हुकूमत नहीं रियासत के खिलाफ है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात माफिया सरगर्म। शिकारपुर में 10वीं जमात का उर्दू का पर्चा आउट हो गया। इम्तिहान मराकज में नकल जारी। मोबाइल फोन्स का आजादाना इस्तेमाल। लारकाना कंबर नवाबशाह में भी पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तियाब। दादू में भी इंग्लिश का पर्चा आउट हो गया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।